आपके दो मेन रोल्स हैं ऑफ कोर्स, सुनो चंदा और अब प्रेम गली में, वो भी एज अ रोमांटिक हीरो है, गाने भी आपने रोमांटिक बैलेड्स गाए और बहुत अच्छे गाए और अवार्ड विनिंग गाए. इज दिस अ कॉन्शियस एफर्ट, इज दिस अ कॉन्शियस ट्रांजिशन, या ये होता जा रहा है? वेल आमना, आई थिंक गानों में तो मुझे अपने से ही खुद एक गिला है कि मैं इतना रोमांटिक, कुछ गाने हैं जो मेरे रोमांटिक हैं लेकिन मेरे ज़्यादा सैड गाने होते हैं, सैड रोमांटिक कह लें, मतलब नॉट वेरी लाइक यू नो देयर आर ओनली फ्यू सॉन्ग्स बट आई वांट टू सिंग मोर रोमांटिक सॉन्ग्स। एक्टिंग में मुझे इट्स नॉट कॉन्शियस एफर्ट बट आई लाइक दीज काइंड ऑफ रोल्स, आई लाइक जिन रोल्स में कोई यू नो इट्स पॉजिटिव पॉजिटिविटी। मैंने ड्रामे शुरू में कुछ किए एक दो बिल्कुल. एंड ऑनेस्टली मुझे कोई समझ नहीं थी, बस मैं आ गया, मुझे आई वॉज वेरी कॉन्शियस। देन लकीली आई वॉज सराउंडेड बाई वेरी जीनियस पीपल हु वर डूइंग वेरी गुड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, तो मुझे छोटी छोटी बातों से इतना फर्क पड़ा देखने से उनके साथ बैठ कर। मैं आई वॉज नेवर अ ड्रामा वॉचर माई सेल्फ, आई वॉज अ म्यूजिशियन हु इज ऑलवेज ऑन द गो, तो पाकिस्तानी ड्रामाज मैंने बहुत कम देखे हुए थे, बल्कि देखे ही नहीं हुए थे। तो मुझे एक्चुअली एक्टिंग का ना मेरा इतना इंटरेस्ट था ना कुछ था, बट सडनली समथिंग हैपेंड इन सुनो चंदा एंड दैट हैपेंड बिफोर आई वेंट ऑन द सेट बिकॉज आई वॉज ऑफर्ड द स्क्रिप्ट बाई MD। आई रेड द स्क्रिप्ट एंड इट वॉज अ रमजान प्ले, यू नॉट सपोज टू डू रमजान प्ले, यू यू बिल्कुल वर नॉट सपोज टू डू, देवर बिल्कुल. गेम शोज रमजान प्ले की, कोई TRP नहीं थी, नथिंग, नोबडी यूज टू वॉच द प्लेज एंड देवर वेरी फिलर काइंड ऑफ प्लेज। बट जब मैंने वो प्ले पढ़ा तो जब पहली दफा ही मैंने वो पढ़ा तो मुझे उससे एक टॉम एंड जेरी फील आई फीलाई कि राइट. ये तो लड़का लड़की लड़ते हैं। एंड देन द सिनेमा आई हैव वॉच्ड व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, दीज आर द काइंड ऑफ मूवीज आई लव्ड, यू नो, जिसमें नेगेटिविटी नहीं है, जिसमें कोई बहुत जहरीली चीजें नहीं है, जिसमें रिश्तों का मजाक नहीं है। बट आई एम मेरे लिए सबसे ज्यादा चीज जो आप सुनो चंदा और प्रेम गली में देखोगे, मेरे लिए जो सबसे चीज मैटर करती है दैट इज फैमिली वैल्यूज। यू नो आई लव द काइंड ऑफ ड्रामास जिसमें फैमिली वैल्यूज, सुनो चंदा में मजाक करके पागल हुए में, बट एट द एंड ऑफ एंड ऑफ द द डे दे आर वन. दे आर वन, द नेक्स्ट सीन दे आर वन, दे डोंट केयर कि ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा कुछ कर दिया तो अगले सीन में अब उससे बदला, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिलीज में रोज लड़ाइयां होती हैं, द नेक्स्ट मोमेंट आखिर रात को आप खाना इकट्ठे खाते हो, दिस इज वॉट पाकिस्तान इज। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सॉरी इट्स नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट बट ड्रामे में एक्टिंग में मैं तो मुझे वो अट्रैक्टिव वो रोल और वो स्क्रिप्ट करता है एंड आई डोंट थिंक दैट आई'ड बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स। मैं कुछ इसी के शेड्स में करता करना रहूंगा, करना चाहते आई विल हैं. नेवर बी एबल टू डू समथिंग वेरी यू नो, जैसे दो बीवियां, शादियां, रिवेंज, आई विल नेवर यू डू डोंट दैट, वांट टू डू आई नेगेटिव विल नेवर डू एंड यू दैट। डोंट फील दैट यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ एज एन एक्टर. यू फील दैट यू कैन बिल्ड योर सेल्फ लाइक दिस. Yeah, but I'm gonna build it. I can do a negative character. I can do other things too. But I'm never gonna do something which doesn't have any impact on our society. जो जो मुझसे देखा नहीं जाएगा मैं वो कभी करूँगा नहीं। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सेट पे मजा आता है करने में, मैं वैसे ही कुछ प्रोजेक्ट करूँगा। ऐसा ही एंड होगा. आई थिंक वो प्रेम गली में भी शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, मैंने कहीं एक दो जगह पे पढ़ा भी कि ये बड़ी थिन लाइन थी कि लड़की के पीछे पीछे कर रहा है। अब ये यू नो ये अगर देखा जाए तो मॉरली वो लड़की को वो आजकल हमारी सोसाइटी में हर चीज़ बात होती है कि वो लड़की को तंग कर रहा है, उसकी प्राइवेसी इन्वेड कर रहा है, ये कहीं स्टॉकिंग के उसमें तो नहीं आता, बट देन यू नो इट्स हार्मलेस, देयर इज नो जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती कोई नहीं है और एक क्यूट सी लव स्टोरी आई है। थिंक शी रिसिप्रिकेटेड वेरी अर्ली ऑन. एब्सोल्युटली अगर वो ना करती और वो हरास्ड फील करती तो फिर हम कहते कि ये तो स्टॉकर सिंड्रोम है, एग्जैक्टली बिकॉज उसने नहीं किया है. शी उस वॉज वेरी क्विकली इन्वॉल्व इन दैट रिलेशनशिप. या और सो मैं एक सच बात बताऊं आमना, मैं असल में भी ऐसा हूं और मुझे लगता है पाकिस्तान के 90% लड़के ऐसे ही हैं जो लड़कियों से बहुत डरते हैं। लड़की आखिर से आंख दिखा दे तो मैंने अपनी सारी जिंदगी कॉलेज में लड़कियों को बस अपने दोस्तों में कहा है कि भाभी है तेरी, लेकिन मैंने कभी लड़की को कहने की हिम्मत नहीं हुई। सो हम 90% लड़के ऐसे ही होते हैं पाकिस्तान लेकिन में। फिर अनपढ़े लिखे लड़के ऐसे होते हैं, वरना यू नो कि क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है आजकल और हरासमेंट कितनी बढ़ रही है और वो सब कुछ है. बट लेट्स नॉट गो देयर जस्ट येट, लेट्स नॉट गो देयर जस्ट येट. मुझे लगता है कि आपका बड़ा अच्छा फॉर्मुलेट हो रहा है पूरा पर्सोना, बिकॉज जो म्यूजिक का था वो टेलीविजन का था, वही सोशल मीडिया पे भी देर इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फरहान सईद वी सी.
स्पेशली ऑन ट्विटर. आपके अब जो रिसेंटली आपने शुरू किया है एंड लाइक द यंग बॉय हु हैड लॉस्ट हिज आर्म एंड आपने कहा विल प्ले टुगेदर. सो अगेन आई मीन देयर इज एन इंट्रोडक्शन, नॉट एन इंट्रोडक्शन बट देयर इज एन अराइवल ऑफ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल यंग मैन. अगेन इज इट कॉन्शियस? डू यू थिंक दैट पीपल नीड रोल मॉडल्स एंड यू वॉन्ट टू बी वन ऑफ देम? एब्सोल्युटली आमना, दिस इज अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट. आई टेल यू, जब मैं पहली दफ़ा इंडिया जल बैंड विंग जल बैंड गया था, आई वॉज ऑलवेज अ टीन एजर हु वॉन्टेड टू गो अब्रॉड एंड स्टडी. मैं पाकिस्तान से भागना चाहता था, मैं बस कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहता था, एक हर शायद प्रॉपरली उस उम्र के लड़के का जो होता है. बट द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू इंडिया और मुंबई की मैं स्टेज पर गया और जब मैंने सुना था प्लीज़ वेलकम पाकिस्तानी बैंड जल, दैट पाकिस्तानी वर्ड, ऐसे पाकिस्तान कभी मुझे स्ट्राइक नहीं किया जैसे उस दिन किया था. और उस दिन के बाद से मैं अमेरिका गया हूँ, मैं लाइन में खड़ा हूँ तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ जो होता है, फिर मैं कहीं जाता हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ जो होता है, तो मुझे बहुत दुख होता है. और उस दिन से आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बी पोलिटिकली एक्टिव, नॉट पोलिटिकली एक्टिव एज इन आई वॉन्ट बी नो आई अंडरस्टैंड यू नो बट आई विल हैव माई वॉइस. मैं आई सपोर्टेड इमरान खान इन दीज इलेक्शंस होल हार्टेडली. आई डिडंट, मैं डरा नहीं कि मैं मेरे फैंस जो नवाज नून लीग के होंगे या किसी और पार्टी के होंगे वो मुझे, आर्टिस्ट शुड नॉट साइड एनीबडी, दिस इज रॉन्ग. यू हैव अ वॉइस, यू शुड टेल, यू कैन बी रॉन्ग बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ वॉइस. राइट. देन अबाउट दिस गाय एंड अदर थिंग्स, एक मैंने और बल्कि अपने इंस्टाग्राम पे की थी. आई फेल्ट जब लेटली हमारे कोविड में काफी लोग जाना शुरू हो गए, मुझे रियलाइज हुआ कि सबसे पहले मुझे साबरी कबाल जो हमारे असैसिनेट हुए थे, अमजद साबरी, आई थॉट कि वो आदमी सुबह के शो पे जा रहा था, मॉर्निंग शो पे. उनको पहली बात है जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि वो रोज सुबह मॉर्निंग शो पे जाके बैठते थे. जब वो फौत हो गए तो साबरी कबाल एक लेजेंड बन गए. उससे पहले उनको अमजद साबरी को कौन कहाँ बुला रहा था, बहुत कम. तो जब लोग चले जाते हैं इस मुल्क में तो वो लेजेंड बन जाते हैं. हमारे कवि साहब, हमारी बुशरा अंसारी, हमारे मतलब आई कैंट इवन, नुसरत फतेह अली खान हमारे लेजेंड बन गए जब वो चले गए, मुइन अख्तर हमारे लेजेंड बन गए जब चले, उमर शरीफ, वेयर इज ही, यू नो, उमर शरीफ इज एन इंस्टीट्यूशन. इस तरह के लोग जो जिंदा हैं उनको प्लीज वैल्यू करें ताकि वो अपनी जिंदगी में खुश हो के देख के एक बार उनको लगे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जाया नहीं किया. एब्सोल्युटली. So yeah, all these things they keep running in my mind. I keep thinking about these things, and जहाँ मुझे कुछ नजर आता है तो मैं जरूर करने की कोशिश करता हूँ. और मैं वो बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने ट्विटर पे कोई नेगेटिव न्यूज बहुत कम शेयर करूँ, ना ही करूँ तो बेहतर है. There are so many positive things happening around us in Pakistan, and we should be projecting those. And this is exactly why I think people are enjoying Prem Gali so much. बिकॉज वो एक लाइट हार्टेड, रिफ्रेशिंग, हंसी मजाक, फैमिली वैल्यूज, वही पूरा मोहल्ला है, वो लड़ भी रहा है लेकिन जब जरूरत पड़ती है दे ऑल कम टुगेदर. एंड दैट्स एग्जैक्टली द वैल्यूज एंड दैट आर बीइंग पोर्ट्रेड. एब्सोल्युटली. टेल मी हाउ वाज शूटिंग? दो सीजन सनो चंदा करने के बाद यू ऑफ कोर्स हैव अ ग्रेट कम्फर्ट जोन विद कासिम अली मुरीद और फैज़ इफ्तिखार, एंड विल कम टू ऑफ कोर्स द मूवी एज वेल.